सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे हम फॉर्म से इनपुट ले सकते हैं अपने बैक एंड में और उसको दोबारा फ्रंट एंड में भेज सकते हैं. सो इन दिस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सब वैलिडेशंस हम ऐड करने वाले अपनी थर्ड फील्ड को जिसमें यूज़र देगा ऑपरेटर, और मैं वैलिडेशंस बताऊंगा कैसे हम वो इनपुट डेटा में थोड़ा बहुत लॉजिक लगा सकते हैं. सो मॉर्निंग गाइस, वेलकम वंस अगेन, वेलकम टू केसीपी एंड वेलकम टू दिस जेंगो सीरीज, वेलकम बैक. ओके, सो अभी मैं अगर अपने टर्मिनल में आऊँ और मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट चल रहा है, रन सर्वर, ओके क्रोमियम, लोकल होस्ट 8000, ओके सो ये मेरा कैलकुलेटर है. यहाँ पे बाय द वे योर नेम, योर हॉबी, ये थोड़ा सा गलत है, और थर्ड फील्ड अभी तक मैंने ऐड नहीं करी है विच इज़ ऑपरेटर प्लस माइनस इनटू डिवाइड. मैं एज्यूम करूँगा यूज़र वो टाइप करें, अभी के लिए तो वो टाइप करें. ओके सो उसके लिए ये जो पेज है वो रिस्पॉन्सिबल है कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल में. मैं जाऊँगा, जैसे यहाँ पे योर नेम लिखा है तो मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफाई करूँगा, फर्स्ट नंबर, ओके फर्स्ट नंबर, एंड यहाँ पे आएगा सेकेंड नंबर, ओके दैट्स इट, क्लोज एंड यू क्लोज, ओके कंट्रोल एस, रिफ्रेश, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, ओके. और यहाँ पे मैं थर्ड फील्ड ऐड करूँगा विच इज़ जस्ट अ सेकेंड, इसको भी कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ विच इज़ दिस, पेस्ट हो गया. अब यहाँ पे मैं दूंगा ऑपरेटर विच इज़ ऑपरेटर, ओके ऑपरेटर, और यहाँ पे इनपुट नाम मैं दूंगा इनपुट थर्ड, और इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ, कंट्रोल एस देते हैं. यप, सो पहला फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, दूसरा तीसरा ऑपरेटर जिसमें हम देंगे प्लस माइनस इनटू या फिर हम एक्स देते हैं और फॉरवर्ड स्लैश विच इज़ डिवाइड. ओके नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट वैलिडेशंस. सो मैं यहाँ तीन वैलिडेशंस दूंगा. नंबर वन, तीनों फील्ड्स कंपलसरी है, यूज़र को अगर यहाँ पे सबमिट बटन दबाना है विदाउट हैविंग एनी एरर तो उसको तीनों फील्ड यहाँ पे टाइप करनी पड़ेगी. नंबर टू, स्टार्टिंग दो फील्ड नंबर होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे मैं ए बी सी डी नहीं डाल सकता, यहाँ पे मैं ओ नंबर्स डालने पड़ेंगे स्टार्टिंग दो फील्ड में. नंबर थ्री, ऑपरेटर में ओ वैलिड टाइप का देना है, आगे हम ऐड करेंगे सेलेक्ट ऑप्शन, बट अभी के लिए प्लस माइनस इनटू डिवाइड या फिर एक्स भी हो सकता है. ओके तो सबसे पहले आते हैं ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी, वो कैसे ऐड करें. ओके सो कंट्रोल एस मैंने यहाँ दबा दिया है. व्यूज डॉट पी वाई वो फाइल है जिसमें हम पूरा लॉजिक लिखते हैं. ओके सो यहाँ पे जैसे ये कैलकुलेटर डॉट एच टी एम एल में मैंने अपनी थर्ड फील्ड ऐड करिए विच इज़ ऑपरेटर फील्ड, और उसका नेम वेरिएबल है इनपुट थर्ड. ओके सो इसको सबसे पहले मैं इनपुट लेना चाहूँगा यहाँ पे, और इसका नाम मैं रखता हूँ ऐसा सीक्वेंस है, परंपरा चल रही है. ओके सो इनपुट फर्स्ट, इनपुट सेकेंड, इनपुट थर्ड. ओके यहाँ तीन वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल में हमारा फ्रंट एंड से डेटा आ रहा है. नाउ प्रोसेसिंग अमाउंट, प्रोसेसिंग इस डेटा की प्रोसेसिंग करना है तो सबसे पहले मैं चेक करूँगा क्या वो तीनों फील्ड आ रही है, एक भी फील्ड ब्लैंक तो नहीं है. सो उसके लिए लॉजिक लगेगा इफ स्टेटमेंट, इफ इनपुट फर्स्ट एंड इनपुट सेकेंड एंड इनपुट थर्ड कोलन. नाउ यहाँ पे हम अपना लॉजिक लगाएंगे विच इज हेयर, अप्लाई योर लॉजिक. ओके सो ये इंडेंटेशन वो प्रोवाइड करता है हमें कि मतलब अगर तीनों फील्ड आ रही है तो ही ये एग्जीक्यूट करना, अदरवाइज हमारे पास है एल्स स्टेटमेंट. सो एल्स कोलन, अभी के लिए मैं इसको प्रिंट करवा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको फ्रंट एंड में शो करेंगे. टेस्टिंग के लिए प्रिंट स्टेटमेंट अल्टीमेट है. ओके सो प्रिंट ऑल फील्ड्स आर कंपलसरी, जैसे ये स्टैंडर्ड मैसेज आता है किसी भी ऐप में, यहाँ पे भी मैं इसको प्रिंट करूँगा, ऑल ऑल फील्ड्स आर ओके.
ऑल फील्ड्स यहाँ पे मैं दे सकता हूँ, यू प्रोवाइड विच इज दिस ऑल फील्ड्स। ओके ओके, सो लॉजिक लगा यहाँ पे, अगर तीनों फील्ड अगर आपने ऐड दी है यहाँ पे फ्रंट एंड में, तो वो इस लॉ ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू और ये कोड हो जाएगा एग्जीक्यूट और ये हमारा प्रिंट होगा टर्मिनल में हमारे सर्वर में। ओके एल्स अगर आपने एक भी फील्ड को मिस किया तो यहाँ पे प्रिंट होगा ऑल फील्ड्स का कंपलसरी। इस वे से हम अपना लॉजिक टेस्ट कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू रिफ्रेश कर रहा हूँ, कुछ भी टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट कर रहा हूँ, लब लब लब। यहाँ पे मेरे को देखना है, यप सर्वर में आया है ऑल फील्ड्स, यू प्रोवाइड ऑल फील्ड्स, मतलब ये कंडीशन हो गई ट्रू और ये होगा एग्जीक्यूट। नाउ टेस्टिंग बस वंस अगेन रिफ्रेश, मैं ये वाली फील्ड छोड़ता हूँ, ऑपरेटर सबमिट करता हूँ, देन ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी, मतलब एटलीस्ट हमारा लॉजिक बिहाइंड द सीन चल रहा है। मतलब यूज़र ने कुछ इनपुट डाला, मैंने वो इनपुट लिया, उसमें प्रोसेसिंग कर रहा हूँ, ये भाई ऐसा इनपुट आना चाहिए ऑब्वियसली। ओके सो अब जब विच इज जस्ट अ सेकेंड, ओके उल्टू कर रहा हूँ। नाउ जब यूज़र यूज़र सारे सारे इनपुट दे रहा है, उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन हमारी होगी स्टार्टिंग इज दो फील्ड नंबर्स होने चाहिए। ओके उसके लिए दूसरा इफ स्टेटमेंट लगेगा। ओके नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, जस्ट अ सेकेंड, वन सर्वर फिर से। ओके तो सबसे पहले मैं उसका डेटा टाइप प्रिंट करूंगा, मैं वो सबसे पहले चेक करना है किस डेटा टाइप में ये दोनों फील्ड्स या फिर दोनों इनपुट्स आ रहे हैं। उसके लिए प्रिंट इनपुट फर्स्ट, इसको कॉपी करता हूँ, इन फर्स्ट की जगह लेता हूँ सेकेंड क्रॉस, इसको डिलीट करता हूँ अभी के लिए, और इसका डेटा टाइप चेक करता हूँ। सो पाइथन में एक कंसेप्ट है टाइप, टाइप से आप उसका डेटा टाइप चेक कर सकते हो, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो डेसिमल है, आई मीन फ्लोट है, स्ट्रिंग है, वट एवर इट इज। यहाँ पे थोड़ा सा कोड्स दे देता हूँ, डेटा टाइप ऑफ फर्स्ट। ओके इसको मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, ईजी टू यप, और यहाँ फर्स्ट की जगह करता हूँ सेकेंड। ओके नाउ अगर वो सारी फील्ड तुम दे रहे हो तो स्टार्टिंग ये दो फील्ड आर डेटा टाइप प्रिंट करो कहाँ पे, सर्वर में, अदरवाइज ये एरर थ्रो करो विच इज ऑल फील्ड्स आर कंपल्सरी। ओके इसका ये मीनिंग हुआ। तो सबसे पहले सर्वर ऑन द वे है, रिफ्रेश, सो सर्वर रीस्टार्ट भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी टाइप कर दो यहाँ पे। पहले में मैं अल्फाबेट्स भेज रहा हूँ, दूसरे में मैं नंबर भेज रहा हूँ, तीसरे में एनीथिंग, सबमिट करता हूँ, सर्वर में आता हूँ। सर्वर बता रहा है पहला जो है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है, दूसरा भी स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहा है। डोंट फॉरगेट मैंने पहला वाला कहा गया, ओके मैंने पहला वाला स्ट्रिंग भेजा था और मैंने दूसरा वाला नंबर भेजा था, फिर भी दोनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहे हैं। नाउ हाउ कैन वी चेक, मैं उसमें चेक कैसे करूँ वो नंबर है कि नहीं। ओके तो उसके लिए पाइथन में कंसेप्ट है इस डिजिट ए इक्वल टू विच इज गुड। ओके पहले पाइथन स्टार्ट करना पड़ेगा, सो पाइथन स्टार्ट हो गया, पाइथन 3, मैंने वेरिएबल बनाया, यहाँ पे लिखा मैंने गुड, बी यहाँ पे मैंने लिखा गुड, 7 यहाँ पे लिखा सी, और यहाँ पे मैंने इस कोट्स के अंदर नंबर्स लिखे बहुत सारे। ओके सो ए में मैंने सिर्फ अल्फाबेट्स का यूज़ किया है, बी में मैंने अल्फाबेट्स के साथ नंबर का यूज़ किया है, और सी में मैंने सिर्फ नंबर्स का यूज़ किया है। सो स्ट्रिंग तीनों स्ट्रिंग फॉर्मेट में अगर मैं सब की टाइप सब का ये चेक करूँ टाइप, तो तीनों कोट्स में है और ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में है। तो स्ट्रिंग ए डॉट एस, मैं दो बार टैब दबाता हूँ, हो सकता है विंडोज सीएमडी में ये ना शो करे, बट पाइथन इंटरप्रेटर में ये करता है। ओके और ये टर्मिनल में भी करता है। ओके सो ये वो चीज़ें हैं जो हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो अपर केस में है या वो लोअर केस में है, हम
what we see is is digit. Okay, so is digit लगाने से मैं check कर सकता हूँ क्या वो string के अंदर a content number है या string या फिर alphabets है. So B is digit. So ये भी fail हो गया हमारे test में. Now C last. Okay, so C pass हो गया. इसने return किया true. इसका मतलब है ये जो string है क्या उसमें सारे नंबर हैं? So true, yes, उसमें सारे नंबर हैं. So यही कंडीशन हम यहाँ पे लगाने वाले हैं अपने बैकएंड में. और पाइथन इंटरप्रेटर यू नो बहुत स्पीडअप के लिए ये सब चीज़ें बहुत जल्दी इसमें रन हो जाती है. बार बार आपको रन नहीं करना पड़ता है. ओके, सो कंट्रोल डी. यप, फिर से सर्वर चालू कर रहा हूँ. सर्वर चालू. ओके, अब आता हूँ अपने विच इज एटम. डिलीट इफ स्टेटमेंट. अगर सारी फील्ड्स आप दे रहे हो तो दूसरी कंडीशन एग्जीक्यूट हो रही है. इफ़ इनपुट फर्स्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में है तो डॉट से मैं उसके सारे अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह बुला सकता हूँ. फंक्शंस. ओके, फंक्शंस. इनपुट फर्स्ट इस डिजिट मतलब ये बुलियन वैल्यू रिटर्न देगा. इनपुट सेकेंड इज डिजिट डी आई जी आई. ओके, थैंक कोलन. ओके, सो अगर ये नंबर है इसमें सारे नंबर हैं और इसमें भी सारे नंबर हैं दोनों कंडीशन क्योंकि मैंने यहाँ एंड लगाया है. ओके, सो यहाँ पे प्रिंट करो गुड बोथ आर नंबर्स. ओके, यहाँ पे भी मैं एक स्टेटमेंट गुड यू प्रोवाइड ऑल फील्ड्स. ओके, और यहाँ पे एक एल्स स्टेटमेंट देना चाहूँगा विच इज एल्स अगर आपने वो दोनों नंबर दोनों फील्ड्स में अगर आपने नंबर नहीं डाला है यहाँ और यहाँ तो एल्स मैं क्या डालूंगा. एल्स में मैं डालता हूँ स्टैंडर्ड प्लीज एंटर अ वैलिड वैलिड नंबर. ओके, और यहाँ एक्सक्लामेशन मार्क उसको एक फोर्स बोलने के लिए. ओके, कंट्रोल एस. सो यहाँ पे एक लाइब्रेरी और कंट्रोल एस. नाउ रिफ्रेश. यहाँ पे मैं देता हूँ नंबर. यहाँ पे मैं एनीथिंग. ओके, सबमिट करता हूँ. अब आता हूँ अपने टर्मिनल में. गुड यू प्रोवाइड ऑल फील्ड्स. हमने सारी फील्ड्स दिए हैं यहाँ पे. ओके, नाउ प्लीज एंटर अ वैलिड नंबर. यहाँ मतलब उसको पता चल गया हमने नंबर टाइप नहीं किया है. ओके, नाउ बैक टू एटम. नो, बैक टू क्रोम. बैक टू कैलकुलेटर. रिफ्रेश फॉर सेफ्टी पर्पसेस. नंबर्स, मैं नंबर्स दे रहा हूँ. यहाँ पे मैं कुछ भी दे सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई वैलिडेशन वगैरह हमने नहीं लगाए हैं. सबमिट करता हूँ. टर्मिनल में फिर चेक करता हूँ. गुड यू प्रोवाइड ऑल फील्ड्स. हमने सारी फील्ड को प्रोवाइड किया है. ओके, एंड गुड बोथ आर नंबर्स. ओके, सो उसने ये कंडीशन पास करी. हमने तीनों फील्ड्स वहाँ पे प्रोवाइड करी है. नंबर टू दोनों फील्ड्स हमने नंबर प्रोवाइड करी है मतलब ये कंडीशन भी एग्जीक्यूट हो गई. मतलब यप, वी आर ऑन द वे. नाउ फर्स्ट कंडीशन तीनों फील्ड्स कंपल्सरी है. ओके, सेकेंड कंडीशन दो फील्ड्स स्टार्टिंग दो फील्ड्स नंबर होनी चाहिए. एंड नंबर थ्री तीसरी कंडीशन वैलिडेशन. आई थिंक वैलिडेशन में यहाँ पे प्लस माइनस इनटू या फिर इसको एक्स बोल दो या फिर फॉरवर्ड स्लैश विच इज डिवाइड. इसके अलावा कोई भी ऑपरेटर मत लेना. ये चार ही ऑपरेटर हम बहुत बेसिक कैलकुलेटर बना रहे हैं. सो ये ही ऑपरेटर हम यूज़ करेंगे. ओके, सो हम वो कंडीशन कैसे चेक करें. बाय द वे यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है. ये यूज़लेस होगा ये कंडीशन चेक करना इस कंडीशन के पहले. ओके, सबसे पहले चेक तो कर लो कि ये दो स्टार्टिंग ये फील्ड आ रही है कि नहीं. उसके बाद चेक करना ये दो फील्ड नंबर है कि नहीं. ओके, तो सबसे पहले मैं चेक कर रहा हूँ ये नंबर है कि नहीं. ओके, उसके बाद में ऑपरेटर में आता हूँ. अगर वो नंबर नहीं है तो ये एरर थ्रो हो जाएगा. ओके, अगर वो नंबर है तो मैं इसी में नेस्टेड इफ लगा रहा हूँ. ओके, सो इफ इनपुट थर्ड इन अरे. यहाँ पे आएगा एरे.
क्योंकि यहाँ पे तीनों इनपुट्स हमारे स्ट्रिंग फॉर्मेट में आ रहे हैं, तो कोट्स विच इज प्लस कोट्स गया कॉमा कोट्स माइनस कोट्स, ये बेसिक पाइथन है, विच इज डिवाइड एंड कोट्स कॉमा प्लस माइनस इनटू बचा है, तो इनटू देन एक और सेफ्टी के लिए एक्स और एक और सेफ्टी के लिए विच इज कैपिटल एक्स, क्योंकि हो सकता यूजर का कैपिटल ऑन हो तो वो मल्टीप्लिकेशन के लिए एक्स का यूज करे. ओके अगर इनपुट फील्ड हमारी थर्ड फील्ड थर्ड इनपुट अगर इस एलवे में नहीं है, क्योंकि ये भी स्ट्रिंग है इसलिए एलवे में हमने स्ट्रिंग प्रोवाइड किया है, इन मतलब ये अगर इसमें नहीं है कोई भी मैच करेगा. ओके तो क्या करना, प्रिंट करना कोट्स प्रिंट, अगर वो इसमें है तो वैलिड गुड, जैसे ये ऊपर दिया हूँ वैलिड वैलिड ऑपरेटर ऑपरेटर नाउ एल्स प्रिंट प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर. ओके सो डोंट वरी अबाउट दिस, हम इसमें और भी चीज़ें लगाएंगे बट बेसिक के लिए आप देखते हैं क्या ये सही काम कर रहा है या नहीं. ओके सो ओके सो यहाँ पे है पहला गया नंबर दूसरा गया नंबर, तभी ये कंडीशन एग्जीक्यूट होगी क्योंकि इसके पहले इफ स्टेटमेंट में लगा है दोनों नंबर होने चाहिए. पहले तो हम ये चेक करेंगे ऑपरेटर में मैं कुछ भी डालता हूँ सबमिट करता हूँ टर्मिनल में देखता हूँ गुड यू प्रोवाइड ऑल फील्ड्स पहली कंडीशन ट्रू गुड बोथ आर नंबर्स प्लीज एंटर अ वैलिड ऑपरेटर. ओके सो तीसरी कंडीशन हो गई फॉल्स जो हमने दिया था वहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट, यहाँ पे हमने दिया था स्ट्रिंग सो अल्फाबेट्स तो वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाई और बाय द वे डॉट ई जगह एक्सक्लेमेशन मार्क ऐसा एरर. ओके नाउ अब मैं इसमें से कुछ भेजता हूँ वहाँ पे which is chrome refresh number सब number होने चाहिए plus minus into divide, मैं plus देखता हूँ terminal में वापस आता हूँ and that's it तीनों में good you provide all fields you, good both are numbers good valid operator and that's it. हमारी कुछ conditions की वजह से which is line number 21 से 36 तक हमने अपने कोडिंग में अपने वेबसाइट एक कैलकुलेटर में वैलिडेशंस लगा दिए. सो ये वो एल्गोरिथम तो नहीं बट ये वो लॉजिक है जो बिहाइंड द सीन काम करता है. हम यूज़र से लेंगे कुछ इनपुट उसमें लगा रहे कुछ वैलिडेशंस कि भाई क्या ये चीज़ सही है कि नहीं एस आवर नीड. ओके सो इस कोड्स की वजह से यूज़र कुछ भी उल्टा सीधा टाइप नहीं कर सकता. स्टेप नंबर टू ये प्रिंट स्टेटमेंट हम नहीं यूज़ करेंगे अभी के लिए तो सही है टर्मिनल में इन यू नो हमें इस oanswer.html में शो करना है. सो दिस इज़ फॉर नेक्स्ट वीडियो. बाय द वे थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ.